नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। नर्सिंग छात्र संगठन की नागौर इकाई की ओर से नागौर के पशु प्रदर्शनी स्थल पर 3 दिवसीय धरना शुरू होने के बाद नर्सिंग छात्रों ने नागौर शहर में विरोध रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए नर्सिंग छात्रों ने बताया कि 10 साल पहले जो भर्तियां निकाली गई उसका फायदा नर्सिंग कर रहे छात्रों को नहीं मिला, जिससे बेरोजगार नर्सेस की वर्तमान संख्या को देखते हुए अब लिखित परीक्षा आयोजित हो। साथ ही राजस्थान में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की 25,100 भर्तियों पर भ्रष्टाचार के चलते रद्द की गई भर्तियों को पुनः लिखित परीक्षा में आयोजित करने की मांग की गई। प्राइवेट अस्पताल में नर्स की वर्तमान वेतन बढ़ोतरी की मांग की गई। वहीं एम्स में 80-20 के रेशियो का लिंग अनुपात को खत्म करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि नागपुर एम्स की ओर से नर्सिंग के ऑफिसर पद के लिए जारी किए गए आदेशों को लेकर विरोध के स्वर उठ गए हैं। एम्स ने इस पद के लिए 80% सीटें महिलाओं व 20% सीटें पुरुषों के लिए आरक्षित की हैं। नर्सिंग छात्रों का कहना है कि संविधान ने महिला पुरुषों के लिए जितनी सीटें नियमों के तहत आरक्षित की हैं, उसकी पालना होनी चाहिए। एम्स द्वारा अपनी मर्जी से सीटें आरक्षित किए जाने के आदेशों का विरोध जताते हुए नए आदेश जारी किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने के साथ ही सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। डिमांड यही है कि जो जितने भी एग्जाम होते हैं नर्सिंग से रिलेटेड, वो सारे रिटर्न आरपीएससी से हो, और ये 80-20 का जो रेशियो है उसमें मेल फीमेल उसमें थोड़ा चेंजमेंट हो, और ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो सैलरी दी जाती है नर्सिंग स्टाफ को, उसमें इनकम है वो थोड़ी नर्सिंग स्टाफ की कम दी जाती है बाकियों के मुताबिक, तो उसको उसमें भी चेंजमेंट किया जाए। उग्र आंदोलन करेंगे इसके बारे में, और एम्स में जो है ना 80-20 का रेशियो हुआ है कि 80 फीमेल को लिया जाएगा, 20 को 20 एम मेल के लिए रखा गया, उसे हटाकर जो पहले था वही रखे जाए, क्योंकि मेल्स में इसके बाद में मेल्स के लिए कोई जगह नहीं बचेगी नर्सिंग क्षेत्र में। और हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में 20,000 का जो कोर्ट का आदेश है कि कम से कम 20,000 सैलरी मिलनी चाहिए, वो 20,000 का आदेश सभी हॉस्पिटल में लागू किया जाए, नहीं तो उसके लिए जो भी नर्सिंग छात्र है वो हॉस्पिटलों के लिए आंदोलन करे जाएगा, और मेडिसिन लिखने का अधिकार दिया जाए नर्सिंग छात्रों को, जो कि कोर्ट का आदेश दिया हुआ है कोर्ट ने। ये लिखित परीक्षा से नहीं हुई है हमारी, इसीलिए हमने मुख्य मांग ये रखा है कि 20,000 से लिखित परीक्षा से वैकेंसी कराई जाए राजस्थान सरकार, सीएचओ में जो भी फर्जीवाड़ा हुआ है राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा। नागौर संवाददाता केशाराम गढ़वाड़ की रिपोर्ट।